अपने अपने बाल मका चाओ जिक्र चलावण लागी पड़िया हर शिकार मेरा पार बसाई ना मेरी है रंज फिकर में काया झड़गी फूक बना दी डे सरकार नो अठो पहर फिरदा रहंदा हाथा बिस तलवार नो अंडा ते शराब पीवे मारी कुट्टी सबनू थानेदार पुलिस वाले की मानता ना दबनू वो मेरे नाल बोलदा ना ऐसा लाया रबनू
साचम साच कहूँ सूजी जी आदत को भी खोटो छे। मायर ने समझावांगी इब के जाए पाछे जीजी मुड़के कोनी आवांगी। मथुरा की गाड़ी भी ऐसी लगे हैं जिन कोई प्रसाद है का गाड़ी भी अच्छी लगे मीठी और कावा प्रसाद है तुम ही ले लो आना तो नहीं आपको मिल जाएगा। घर में ध्यान कोनी फिरते रहे सारी रात मोरी बतिया मानता ना समझा के हार लई तारी के कसाई जाने आबरू उतार लई गुरु तलक की आज्ञा लेके चौथी कली विचार लई सुनावण लगी। चार जगह
अरे कौन है जो इतनी दोपहरी में आवाज लगा रहा है? इतनी आवाजें लगा दी है लेकिन सुनाई नहीं दे रहा है। पिंगला भाभी दरवाजा खोल। अरे कौन है? मैं व्यस्त हूँ, वापस जाओ। कौन है ये बात मैं बताऊंगा, पहले दरवाजा खोल दे, नहीं तो तेरे दरवाजे को मैं तोड़ दूंगा। तोड़ देगा? हाँ। नुकसान मत करियो, खोल तो जल्दी फिर ले। अरे विक्रमा तू? हाँ मैं। क्यों चिल्ला रहा है? क्यों चिल्ला रहा है? हाँ, हाँ। मेरा चिल्लाना जायज है भाभी। हाँ। आज मैंने तेरे इस महल में किसी गैर मर्द की मुझे आवाज सुनाई दी है। गैर मर्द की? मुझे ये सच सच बता दे, तेरे महल में वो गैर मर्द कौन था? क्योंकि मेरा भाई भरतरी तो उस राजमहल में उस कचेरी के काम में दरबार में है, व्यस्त है। मेरे भाई के गैर मौजूदगी में तूने कोई गैर मर्द अपने महल में बुला रखा। गैर मर्द कोई नहीं था। कोई नहीं था? बदम कौन था? सच सच जो मेरी बांदी है ना यू नीहा, इसके चक्कर में कहाँ गया वो? हाँ यू आ गया था थोड़ी देर, अब तो इसने पेप्सी और मार ली है, ठंडक पहुंच गई होगी पेट में। यू नहीं था, यू ही था। उसके तो दांत थे पूरे, इसके तो दांत ही नहीं है। फिर वो दूसरा होगा, एक और नाच रहा था। टूट के गिर गए लगते हैं। सच सच बता दे, मजाक का समय नहीं है, कौन था गैर मर्द? अरे कोई भी नहीं था, तेरे भाई के सिवा मेरे महल में कौन आ सकता है भला? मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ, मेरे भाई के सिवा इस महल में किसी का अधिकार नहीं आने का। कोई गैर मर्द नहीं था। था? मेरी बांदी थी ये दोनों। ये बांदी नहीं थी। और? बांदी नहीं थी दादाजी, कोई बांदा था? बांदा? कोई बांदा नहीं था। मर्दानी आवाज सुनी मैंने, ये तो जनानी है। अरे मर्दानी आवाज ही बहुत अच्छी निकालती है। तू ही थी। चुप बैठ जा, नहीं तुझे भी कत्ल करवा दूंगा, बैठ जा चुप। तू नहीं थी, सुन ले मेरी बात। में क्या कहना चाहता है? दोपहरी के वक्त तेरे गर्मी चढ़ गई, लगे दिमाग को? गर्मी मेरी नहीं चढ़ी, गर्मी तो तेरे चढ़ रही है। अच्छा? ये गर्मी तेरी शांत नहीं हो रही है, मैं करवाऊंगा शांत। कैसे करवाएगा बता? सुन ले, किसने घर में
और करता शार खिलाड़ी देखा और भाई हाँ एरे रजपूता की औरत कल्याण पाची करता यारी देखा कैसे रखे खाने में आज मने करता शार खिलाड़ी देखा रजपूता की औरत कल्याण पाची करता यारी देखा रजपूता की औरत कल्याण पाची करता यारी देखा झूल गालरी कई गोटा और किनारी देगा परचारी देखा कुएं में डूब के मरना होगा गंगा जल भी भारी देखा सेरा के खाने में आज बने करता प्यार खिलाड़ी देखा रजपूता की औरत गया भाई बाजी करता यारी देखा रजपूता की औरत गया बाजी करता यारी देखा सरकारी देखा तेरे राज में सरेआम यके करता खेल जुआरी देखा तेरा के खाने में आज बने करता सार खिलाड़ी देखा मजबूता की भारत गया पाची करता यारी देखा कि आज मेरे माता पिता होते उस भाभी पिंगला से जरूर बदला लेते रे भाई मेरे लाड करणिया मर गए से अरे देखे थे
और भाई रे मेरे चीते लगे जहर के भाई रे मेरे चीते लगे थे जहर बहारी देखा कैसे लगे काने में आजमने करता सार खिलाड़ी देखा रजपूता की औरत गला बाजी करता यारी देखा रजपूता की औरत गला बाजी करता यारी देखा जोरदार ताली महारानी पिंगला ओ महारानी पिंगला महारानी पिंगला महारानी पिंगला अरे ओहो हल्को महाराज मंत्री महाराज आज तो महारानी पिंगला भाई बहुत ज्यादा गुस्से में है भाई राजा को भी फटकार दिया आज तो महाराज गुस्से में जाए जे महाराज महारानी पिंगला पिंगला मुझे हाथ मत लगाइए आखिर क्यों हाथ नहीं लगाऊं मैं आपको कुछ बताने के लायक नहीं महाराज कई कई दिनों में तुम खबर लेते हो गुस्सा तो होगी महारानी लुट गई बर्बाद हो गई अब मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही नहीं ऐसा क्या कारण है ऐसी क्या बात है जिससे कि आप मुंह दिखाने के लायक नहीं रही आप ये भूल गई हो कि आप भू भरतरी की घरवाली हो भरतरी की रानी हो महारानी पिंगला ऐसा कौन है जिसने आपकी तरफ उंगली की है उसका पूरा हाथ कटवा दूंगा रानी पूरा हाथ कटवा दे पूरा हाथ कटवा दूंगा और मार दूंगा हाथ कटवाने का दूर की बात है पहले आप मेरा दुख काटो अच्छा मेरे जो परेशानी है वो काटो तो सुन मेरी बात मैं कुछ कहना चाहता हूँ तुझसे क्या सुन एरी कोप भवन में क्यों पड़ेगी आज मेरी तेरे भाई ने मेरी आबरू उतारी भैया की तेरे भाई ने मेरी आबरू उतारी कोप भवन में क्यों पड़गी रे कोप भवन में क्यों पड़गी आज मेरी पिंगला प्यारी भैया की तेरे भाई जगत की हासी हुई इसी लाचारी अरे भैया की तेरे भाई ने मेरी आबरू उतारी
समझ गया मक्कारी। वो ठाटा महीनी थी नो धरती में देवारी। अरे भैया की सुतरे भाई कड़ी सा झटका मारा चूड़ी सारी झाड़ी। अरे भैया की सुतरे भाई ने मेरी आग रोतारी।
करया तेरी पिंगला रानी ने ठीक मकदमा प्यार करया तेरी पिंगला रानी ने भाई कुछ ते कहती नगर से तने कुछ कही से ठानी ने हाथ पकड़ के काट्या गर्द भाभी मानस खानी ने हाथ पकड़ के काट्या गर्द भाभी मानस खानी ने हे सुती आत्मा आले मेरे हे सुती आत्मा आले ने करम करम से साई का दुनिया में से खुदी का तने बहम लगा चक्कर मैं फस गया कोई और न फसियो जिस चक्कर मैं फस गया देखूं मन टोया करिए सपने में भी ना देखूं मन टोया करिए अरे मैं कर रहा था भीड़ महल में तू सोया करिए अरे अपनी इज्जत कर के आता अरे खोया करिए अपनी इज्जत कर के आता खोया
गला टेक दी अरे भारी विक्रम के सोमने तकी गला टेक दी भारी विक्रम के भई कान जब लिखी धरी से सारी विक्रम के गैर जात की जिम में ला दी अरे यार ही विक्रम के हो गैर जात की जिम में ला दी यार ही विक्रम के गुरु मांगे राम जमाना को न्या ये मांगे राम जमाना को न्या हर सर्व सच्चाई का दुनिया में ते खोजेगा महारानी पिंगला पिया जी आप आपको तो इस वक्त दरबार में होना चाहिए था। मैं दरबार में ही था लेकिन तुझसे बहुत जरूरी काम पड़ गया इसलिए तेरे पास स्वयं आया हूँ। जी पिया जी बताइए क्या काम है आपकी इस दासी के लायक। ओहो आज तो बड़ा मीठा बोल रही हो पिंगला लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ और मैं पूछना चाहता हूँ जो कई दिन पहले मैंने एक अमरफल आपको दिया था याद है आपको। बिल्कुल याद है मैं कैसे भूल सकती हूँ। अगर आपको याद है तो मुझे बताइए वो अमरफल आपने खा लिया या थोड़ा बहुत बच रहा है। महाराज इतनी गर्मी पड़ रही है आजकल एक दिन में फल ना बचे सड़ जाते हैं फिर चार पांच दिन हो गए उन बातों को। और वैसे भी आज तो जेठ का दशहरा है महाराज आज तो वैसे भी छोड़ा नहीं होगा बिल्कुल खालिया होगा। खालिया नहीं खालिया आज तो दूर की बात है जिस दिन आपने मुझे अमर फल दिया था उसी दिन उसी वक्त मैंने वो सारा अमर फल खा लिया था। थोड़ा बहुत तो बचा होगा क्योंकि मैं आपका पति हूँ थोड़ा आधा तो बचा होगा आधा मेरे लिए छोड़ दिया होगा। आपकी आज्ञा का पालन किया क्योंकि मैं एक पतिव्रता औरत हूँ और पतिव्रता वो कहलाती जो पति की आज्ञाकारी हो। पति ही ईश्वर पति ही पूजा नहीं पति ते न्यायी हो। आपने आज्ञा दी कि ये अमर फल रानी तुझे खाना है तो फिर मैं कैसे छोड़ देती महाराज। रानी तुझे आपको पता नहीं मैं बड़ी चट्टो हूँ। चट्टो तो तू है लेकिन तुझे तो ज्ञान भी बहुत है। बहुत ज्ञान है पतिव्रता के कायदा भी जानती है सारे कानून कायदे जानती हूँ पिया जी। पूरा अमर फल खा लिया थोड़ा बीज तो छोड़ दिए होंगे बीज भी तो होंगे उसमें। नहीं महाराज बीज भी खा गई। बीज ने भी खा गई मैंने तो चाप चाप में छिलका और ना उतारे छिलका भी खा गई। सुन मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो बार बार तू मुझसे कभी पिया जी कहती है कभी भरतार कहती है ये अधिकार तू खो बैठी है अब तेरा अधिकार नहीं है मुझ पर। सुन ले मेरी बात। कहिए मेरी कुछ समझ में नहीं आया क्या कहना चाहते हैं। समझ में आ जाएगा सुन ले। ओ मुझे मत कहिए भरता प्यार की सब हो गई खत्म बेटा।
सती सती का धोखा दे ना ठीक नहीं, हाँ कह दे अरे हाँ कह दे या ना कह दे और अरे कुछ भी कहना ठीक नहीं, धर्म के पुजारी पिया मने अमर फल, मने अमर फल सारा खा लिया, मैं सतवंती नारी पिया जो ना करो जो ना करो यकीन मेरा तो कसम है तुम्हारी पिया, जो ना करो यकीन मेरा तो कसम है तुम्हारी पिया, ओ तेरा के संग में जारी करी वो पर लीद उठा मन आते ओ बैरण तन यारी करी, अरे वो पर लीद उठा मन आते ओ बैरण तन यारी करी, अरे गेरा कल सुबह तने रे हो 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 क्या सबूत थारे पे जो क्या सबूत थारे पे जो मेरे सर पे तोसे धरो जो मैं बिल्कुल साची पाई, अरे डूब के कहां पे मरो, जो मैं बिल्कुल साची पाई डूब के कहां पे मरो, हो तुझे भूखे जिस घर में ऐसी नागन हो उस घर की मत समझो खैर, जिस घर में ऐसी नागन हो अरे उस घर की मत समझो खैर, अब तक पिया
बता दियो साफ साफ हे मोके का गभा कोण में किसने करती देखी पाप इन बातों का धर्म राज के दफ्तर में होगा इंसाफ इन बातों का धर्म राज के दफ्तर में होगा इंसाफ हो घड़ी मत बोले बदकार फल दिया सारी मुझको होगी जाचे देख ले ले देख ले अमर फल वो ही साच को ना होती आज देख ले अमर फल वो ही साच को ना होती का पाछा देखा कोन्या इश्क नशे में अंधी होगी कह जे करण सती वो है जो आपे पे पाबंदी होगी कह जे करण सती वो ही जो आपे पे पाबंदी होगी हो ना सब दुनिया और पापी
अरे कुटुंब कबीला सारा था, कुटुंब कबीला सारा था। अरे पढ़े लिखे काली में जानते घर में खूब गुजारा था। भगत सिंह का जन्म हुआ जब बाप जेल से आ रहा था, बाप जेल में जा रहा था। ए लक्ष्मी
पत्र दिया पशु पत्र दिया अड्डा फिर भी समका बाण भी कटे यार भी समका बाण भी कटे यार। तेरी ब्रह्मा रक्षा नहीं करेंगे किस्सा सभी ने पट गया पशु पत्र दिया अस्त्र अड़ा भी